जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग। आज मेरा एक बेहतरीन दादा जो कि बहुत साल से बोल के आ रहे थे मैं दूंगा दूंगा कह के, उन्होंने पैसा भी 50% बहुत दिन पहले भेजा था, अभी बाकी पैसा भेज दिया। एक बिगेस्ट पार्सल मैं सनातन जी के लिए कर रहा हूँ, जयपुर के सनातन जी, ठीक है। सनातन जी जो है पतंग प्रेमी इंसान है, और बीकानेर में बहुत दिन बाद एक पतंग प्रेमी के पास मेरा पतंग जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। सबसे पहले उस्ताद पॉडी जी की सबको घुमा घुमा, कभी असगर भाई की पहले दिखाता हूं, कभी राजीव की, सो मैं दिखाऊं अजंता पेपर में पदम जी लगा के जो रेट मैं ले रहा हूं, बहुत मुनासिब रेट। आजकल तो दो कौड़ी के कारीगर लोग भाई साहब 40 रुपया 50 रुपया कर रहे हैं, ठीक है, और बेकार से बेकार कारीगर भाई साहब 30 रुपया ले रहे हैं। तो मेरी ये पतंग जो है सब 50, 55, 60 रुपये की एवरेज की है, हाँ, और उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी है, समझ लीजिए ये सब पतंग कितनी बेहतरीन है, समझ लीजिए, ठीक है, और सब गांठदार है। मैं जितना दिन जिंदा हूँ उतना दिन करूँगा इंशाल्लाह, और समझ लीजिए कोलकाता का पतंग को फेमस करने वाला ही मैं हूँ, ठीक है। जब जब जो याद आती है मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है, और सब पदम जी लगी हुई है भाई साहब, ये नहीं सॉरी ये खतीमा है, पदम जी इससे पहले वाला था, और सब खतीमा पेपर बहुत कमी इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम मेरा जनता। अभी मैंने जयपुर से आपका जाके अब्बासी भाई से जो है सोनू अब्बासी भाई से 10 रिम खरीदा भाई, 3,500 रुपया करके लगा, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी यूनिक पतंग है ये राजीव की, एक मैंने इनको तोहफे में दिया सनातन जी को, ये अपना ऑफिस में या हॉल रूम में फ्रेम बना के रखेंगे, ठीक है। और ये सब मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये जो है शकील अंसारी की पतंग है, रुड़ानी की पतंगे हैं, ये पतंग जोड़ वाटरप्रूफ है, अगर ये पतंग में बूंद बूंद पानी गिरे पतंग फट सकता है, लेकिन ये जोड़ नहीं खुल सकता है, ठीक है ना सकी, थोड़ा सा आवाज दे दे तो भाई, हाँ तो बोलना, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन पतंगे हैं, आप लोग देख सकते हो, हाँ शकील ने मुझे ये जो है राज है बताने के लिए मना किया, ठीक है, कि भाई ये जो जोड़ है मैं किस तरीके से करता हूँ ये वासिक मत बताना। और ये कमानी को आप लोग देख सकते हो, सब पुरानी पुरानी कमानी है, हाँ, और कितना बारीक है कमानी देखिए, और टोटल पदम जी लगा हुआ है, सब महंगी पदम जी लगा हुआ है, ये सफ़ेद भी बहुत महंगी पदम जी है, 5 किलो वाला, पूरा हिंदुस्तान में किधर भी नहीं मिलेगा, मेरे को मुन्ना भाई बरेली वाले दिए थे, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा उस्ताद तपन दादा की पतंगे, बिल्कुल अजंता में तैयार, आप देख सकते हो, कुछ कुछ खतीमा में इनकी होती है, लेकिन कागज़ बचाने के लिए करना पड़ता है भाई, पूरा अजंता अगर हम लोग के पास ख़त्म हो जाएगा तो समझ लीजिए फिर हम लोगों को लोग पूछना बंद कर देंगे, और शायद एक दिन ऐसा होने वाला भी है, ठीक है। अजंता पेपर अभी मेरे पास है, इंशाल्लाह 2-3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है तब तक मैं ज़िंदा भी रहूं, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन पतंगे हैं, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा असगर भाई की पतंगे, असगर भाई की पतंगे इतनी खूबसूरत होती है और इतनी साफ सुथरी होती है कि जितना मैं कहूंगा उतनी ही समझ लीजिए कम है। शेख असगर नवाब जी जो है हमारा कोलकाता का शान है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सारी पतंगे इससे ज़्यादा कीमत में कलकत्ते वाले को मैं देता नहीं हूँ, जिसके लिए कलकत्ते वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई कलकत्ता पतंग परदेश जाए और कलकत्ता का बहुत नाम रोशन हो, ये पतंगे जो है आगा भाइयों की बहुत मतलब प्यारी पतंग है, समझ लीजिए, ठीक है, आगा भाई की बहुत पहचानदार पतंगे हैं, ये पट्टीदार है, ये मांगदार है, ये जैसा कि एक चौका आपका खतीमा है, ये बहुत पुराना खतीमा हमारे पास, 5 किलो, तूफान हवाओं में नहीं फटेगी, धूप में भी नहीं कुचलेगी, अगर धूप में ये पतंग कुचल गया तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब, ये भारी कागज है, आदमी जल्दी लगाता नहीं है भाई साहब, ठीक है। इस तरीके से देखिए बहुत सारी पतंगे हैं, आप लोगों को मैं दिखाते जा रहा हूं, सब पदम जी लगी हुई है भाई, आम तरीके से ये कागज लगाने में भाई नॉर्मल कारीगरों को जो है ना हालत खराब हो जाएगा, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं भाई, क्योंकि पदम जी जो है ना बहुत महंगी पेपर होती है, आम तरीके से मिलती ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारा और भी डिज़ाइन है भाई, ज़्यादा दिखाने से भाई क्या है, जबान भी थक जाएगी, हाथ भी थक जाएगी।
अब मैं दिखाऊं विद्युत की पतंगे, इसके बाद मैं इसकी दिखाऊंगा। ये है विद्युत की पतंगे भाई, तिरंगे गोले हैं ये, ठीक है शकील, तिरंगा गोला बना देगा तो ऐसा। तो समझ लीजिए ये सब पतंग बहुत प्यारी होती है भाई साहब, ठीक है ना। अब विद्युत की भाई और भी कलरदार मांगदार है, मैं दिखा दूं। ये भाई साहब जयदेव दा की कुछ पतंग हमारे पास उड़ाने के लिए थी, मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। गांठदार में है भाई साहब, इसमें बहुत सारा पतंग गांठदार में, मैंने गांठदार का पैसा नहीं लिया लेकिन मैं गांठदार में दे रहा हूँ। देखिए विद्युत की भी है, ठीक है, ऐसा पतंग जी लगी हुई है, इसमें बहुत सारा कलरिंग पतंगे हैं लेकिन दिखाना भी मुश्किल है, समझ लीजिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पतंग का बहुत बिगेस्ट पार्सल है ये, और हमारे को दिखाते दिखाते भाई साहब मैं थक जाऊँगा। अब मैं दिखाऊँ भाई साहब असगर भाई सोनिक भाई की पतंगे, ठीक है। ये देखिए सोनिक भाई की पतंगों का कुछ बेहतरीन चीज़ दिखाऊँ मैं आप लोगों को बताता, जो सोनिक भाई जो है मुझे जो पतंग देते, ये देखिए अजंता में है, अजंता में किसी को नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा क्योंकि ये अजंता पेपर मैंने ही बागादा को दिया था, बागादा के पास भी जो है वो हमारा है, बागादा के पास जो पतंग मिलेगा उससे बेहतरीन मेरे पास मिलेगा, खुलेआम बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। ये खतीमा में है, ये खतीमा 5 किलो है भाई साहब, धूप में भी नहीं कुचलेगा, डार्क कलर की है, बहुत ही बेहतरीन पतंगे हैं सब। कलरिंग देखिए भाई साहब इसकी, जवाब नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, प्यारी प्यारी पतंगे हैं भाई साहब, बहुत प्यारी प्यारी पतंगे हैं। ये देखिए मालेदार तौक, ये 3 महीना पहले का बना हुआ था तो मैंने दिया, ठीक है। ये तिरंगा है भाई साहब, पट्टी तिरंगा, हालांकि हम लोग इसको चपरास बोलते हैं। अच्छा ये देखिए भाई साहब खतीमा में है लेकिन क्या ब्यूटीफुल है, इसके इसको हम लोग बोलते हैं स्केल मांग, ये एक ही कारीगर बनाते थे लखनऊ में, इशाक भाई आपको अल्लाह ताला कब्र में बिल्कुल जन्नत नसीब अदा फरमाए, आपके जैसा ईमानदार कारीगर लखनऊ में मैंने नहीं देखा, आपसे कोई बंदा 1 रुपया नहीं पाता था, ठीक है यार, आपने पूरा हिंदुस्तान को शॉक करवाया, आपका पूरा परिवार को अल्लाह ताला सलामत रखे, ठीक है, और आपके परिवार पूरा पतंग बनाता था ये भी हम लोग जानते हैं, आपका बेटी भाभी जी आप, लेकिन आज आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहा हूँ, बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है लेकिन हम लोग को हिस्ट्री मालूम है। ये पिंटू सिंह की पतंगे हैं भाई साहब, ठीक है, ये सब कारीगर ही नहीं थे भाई साहब लेकिन आज दिग्गज कारीगर हैं। ये लोग कहते हैं कि वासिफ भाई आपके जाने के बाद अगर आप कभी चले गए तो आप लोगों को भूल नहीं पाएंगे हम लोग, हम लोग 2 कौड़ी के इंसान थे लेकिन आपने मेरे को पहचान दे दिया, ठीक है, पूरा वर्ल्ड आज के डेट में मुझे जानता है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है, गरीब है भाई साहब लेकिन नेक है, सबसे बड़ी बात है गरीब है नेक है, बेईमानी नहीं है। मेरे पास 2-3 कारीगर आए जिसको साथ मेरा आज रिलेशन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो खुद भी वो सब अफसोस करता होगा आज का डेट में, लेकिन मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ठीक है, सब सही सलामत रहे। आ जाएगा देख लिया हम। ये देखिए शकील अंसारी की एक बहुत बाखूबी पतंग दिखाऊं मैं, ये शकील अंसारी की ढोल पतंग है, डमरू नहीं है, ढोल बोला जाता है इसको, डमरू जो होता है डोंगा पतंग को बोला जाता है, ये ढोल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन पतंगे हैं। इसमें 36 इंच के कमान लगा हुआ है, टीला बांस लगा हुआ है, अगर नसीब खराब होगा तो 20 साल बाद इसका कमान ही टूट सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं, और इसका छाती जो है बहुत चौड़ा है, ठीक है, लेकिन टूर्नामेंट में अलाउ हो जाएगा, और नीचे घर से लड़ाने की है, ऊपर घर से डगमगा जाएगा, नीचे घर में खड़ा रखो तो किसी का मजाल नहीं है भाई, इसको गद्दा मार के काट दे या सूता का हनक रहेगा, बिगर धार वाली चिकनी मांझा से अगर इसको उड़ाया जाए तो इलाहाबाद वालों को दिया जाएगा चौबारा के लिए, तो ये 50 पतंग काट देंगे इसे, इलाहाबाद नजरों से देखा नहीं होगा ऐसा पतंग, ठीक है, बात यह है। ऐसा पतंग असगर भाई भी एक बनाते हैं बड़े फर्म में, किसी का ऑर्डर होगा तो बोलना मैं दे दूंगा, कमान डड्डा दोनों नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल फुल फैंसी असगर भाई बनाते हैं। ये चिंटू क्राफ्ट की पतंग है, मेरा बहुत खास बच्चे का है ये, ठीक है, और बहुत ही कम पतंग बनाते हैं, ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी पतंगे हैं भाई साहब, ठीक है, और जितना भी तारीफ करो कम है भाई साहब, बहुत प्यारी प्यारी पतंग है। इसमें से कुछ पतंग जो है बहुत पुरानी है, ये अंदर से खोज खाज के मैंने निकाला है पार्सल कंप्लीट करने के लिए। अब मैं दिखाऊं
राजीव की पतंगे, राजीव यूनिक, बहुत ही हसीन पतंगे बनाते हैं ये। इसकी पतंग अगर मैं दिखाऊं, एक अलग से मैं दिखाऊं तब समझ में आ जाएगी। ये देखिए भाई साहब, क्या प्यारी पतंगे हैं, फोटो ले लो इसकी, ठीक है? बहुत प्यारी प्यारी पतंग बनाते हैं भाई साहब। उसी की भाई साहब ये पतंगे हैं, ठीक है? इसका ले लो, बहुत प्यारी प्यारी पतंग तैयार करते हैं ये इसकी। हाँ, इसका चांद देखो, एक साइड से है, ठीक है? बहुत प्यारी पतंग है भाई, ईद बकरीद का चांद जैसा होता है वैसा है ये, मांगदार है। बाकी मैंने कुछ प्लेन दिया, लेकिन है सब कांटदार में, सब कांटदार में, ठीक है? ये पतंग बहुत महंगा है, समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कारीगर है ऐसा कांटदार में, ऐसा फुल फैंसी, बड़े उस्ताद लोग जो है बना दे इस रेट में, नहीं सकेगा, ठीक है? कुछ लोगों को गुस्सा आता है मेरे इस कमेंट में, भाई साहब आई डोंट केयर, दुआओं में याद रखिए, ठीक है? ये मैं कलकत्ते वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परदेश में कुछ बात, ये बात मेरे पास आई है, ठीक है भाई? पहले बनवाइए उसके बाद कहिए। ये है भाई साहब जिक्को की पतंगे। आज अगर भाई साहब परदेश में कुछ कारीगर है 120 130 रुपया नॉर्मल पतंग की कीमत मांग रहे हैं, मेरठ में, इधर में, उधर में। ये देखिए, ये ब्लैक ब्यूटी है, ये पट्टीदार है, ये चप्पे हैं, ये मांगदार है, स्केल मांग है, ये जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है? बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन है, बिल्कुल सब एक जैसा ही है, और ज़्यादा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये कुछ डिज़ाइन दिखा, ये गांठदार है। हालांकि मैंने कुछ गांठदार इनको दे दिया जीको दा का, लेकिन मैंने जीको दा का जो है गांठदार का पैसा नहीं लिया था, ठीक है? चलिए भाई, यहाँ से मेरी बुलेटिन समाप्त हो रही है, ठीक है? और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोग पैसा भेजे, इंतज़ार करें, मुझे टाइम दे, एक पर एक पतंग बना के दूंगा आप लोगों को, ठीक है? और मेरे लिए निगेटिविटी मत रखिए भाई साहब। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार बोलने में भी शर्मिंदगी आती है, कोलकाता में तो है ही है, आप लोग का परदेश में भी आप थोड़ा 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 कुछ लोग मेरे ऊपर निगेटिविटी कर रहे हैं। भाई मत करिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेरे को इस काम करने का एक ही वजह था कि भाई साहब पतंग के शौक के लिए जो है हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे घर से, तो थोड़ा सा ये काम डाल लिया। मैं जिस घर से हूँ ये आगा भाई को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, लखनऊ में तोड़ी भाई को मालूम है, ठीक है? हमारा कलकत्ता में सीनियर जो पुराने हैं, हाँ, जैसा कि नासिर भाई, इसे भी मालूम है मैं किस घर से हूँ, ठीक है ना? तो लो माइंड में मत देखिए। और हालांकि 90% लोग जो कोलकाता का बाहर है वो लोग मुझे बहुत इज्जत देते, कोलकाता में भी बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। आप जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं भाई साहब, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसके बारे में मैं एक दिन फोरकास्ट करूंगा बहुत जल्दी। आप लोग मेरे को दुआओं में याद रखिए, फटाफट ऑर्डर कीजिए, और एक पर एक पतंग आप लोगों को देने का मुझे मौका दीजिए। ओके भाई, खुद भाई, गुडा, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिए।